हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम रियलिस्टिक ईयर कैसे ड्रॉ करना है वो देखने वाले। ये वीडियो पार्ट 3 है फेस सीरीज का। इसके पहले दो पार्ट्स में हमने रियलिस्टिक आईज एंड रियलिस्टिक नोज कैसे ड्रॉ करना है वो सीखा था, एंड आज हम ईयर सीखेंगे। सो लेट्स गो।
सो अभी मैं आउटर पोर्शन शेड करूंगा अपने ईयर्स का। मैंने ये ईयर पूरा मेरे अकॉर्डिंग ड्रॉ किया है, आपको बगैर आपके रेफरेंस फोटोग्राफ के हिसाब से ड्रॉ करना पड़ेगा। आपके रेफरेंस फोटोग्राफ में जहाँ पे डार्कर एरियाज है वहाँ पे आपको डार्क करना पड़ेगा, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट करना पड़ेगा। ये वीडियो खाली आपको बेसिक प्रोसेस बताने के लिए था कि कोई भी ईयर्स को शेड कैसे किया जाता है। हाइलाइट्स ऐड करते टाइम आपको मेक श्योर करना है कि आपका टिप शार्प हो। अभी मैं जहां पे डार्क है वहां पे थोड़ा और डार्क करूंगा जिससे कि फोटो में काफी अच्छी डेप्थ आ जाए। आप देख सकते हो हमारा ईयर काफी रियलिस्टिक लग रहा है अभी। तो यही बेसिक प्रोसेस है कि आपको लाइट से डार्क शेड करना है हमेशा। सबसे मेन आपको शेडिंग अच्छे से आनी चाहिए। अगर शेडिंग के बारे में आपको कुछ भी सीखना है तो आप मेरा शेडिंग ट्यूटोरियल वाला वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपको अपनी शेडिंग इम्प्रूव करने पे फोकस करना है। मुझे कंप्लीट ईयर का स्केच बनाने में 1.5 आवर लगा था। सो आई होप गाइज आपको ईयर ड्रॉ करना आ गया होगा। मैंने आपको पूरा बेसिक प्रोसेस समझा दिया है कोई भी ईयर को ड्रॉ करने का। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वो बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप ड्रॉइंग।